नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ यरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए परिसर का किया उद्घाटन। कहा, देश की आंतरिक शांति भंग करने वालों को दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा का सत्र कल से मंगलवार को पेश किए जाएंगे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने कहा, 10 दिन के सत्र में सभी विधायकों को बजट और क्षेत्र की समस्या पर बोलने का दिया जाएगा अवसर। आठ मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान का शुभारंभ राजधानी ईटानगर के दोजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी शुरू। महिला स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्प उत्पाद आकर्षण के मुख्य केंद्र। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत देश की आंतरिक शांति भंग करने वालों और अपनी धरती पर घुसपैठ की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगा। आज कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत विश्व में शांति चाहता है और उसका इरादा किसी पर हमला करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। श्री शाह ने आतंकवाद का मुकाबला करने और देश की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आतंक संबंधी गतिविधियों के बदलते परिदृश्य के मद्देनजर बल की प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और रणनीति में बदलाव लाने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य कल्याणकारी उपायों के अलावा जवानों को 100 दिन का अवकाश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि जवान अपने परिवारों के साथ समय बिता सके। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सुनिश्चित रूप से करेगी और इसको परिपूर्ण व्यवस्था वाला कमांडो फोर्स बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का नया बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में पहले दिन प्रश्नकाल के अलावा कई विधायी कामकाज पूरे किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने आज संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि इस बार विधानसभा का सत्र 10 दिन के लिए रखा गया है ताकि सभी विधायकों को बजट पर अपना विचार रखने और क्षेत्र की समस्या को उठाने का अवसर मिल सके। बजट सेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा पूरा जो एंटायर जितना भी हमारा असेंबली होता है, तो मेन फोकस इज द बजट। उसके बाद जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आर्ट तो रहता ही है, इसके बाद नोटिस है, मोशन है, इसके बाद कुछ प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन हो रहा है। तो ये 10 दिन का तो हमने बुलाया क्योंकि हमारा ये एक कोशिश था कि हमारा अभी जितने भी नया लेजिस्लेटर आया है काफ़ी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और काफ़ी नॉलेजेबल है, तो इन सबको एक मौका दिया जाए कि मतलब अपना विचार प्रकट करने के लिए और कंस्टिट्यूंसीज का कोई इश्यूज है उसको रेज करने के लिए और लार्जर जो स्केल के इश्यूज हैं उसको रेज करने का मौका देंगे। वो कोशिश में हमने 10 दिन का सेशन बुलाया, लेकिन डिपेंड करेगा कि कितना बिजनेस है उसके मुताबिक हम लोग सेशन करते हैं। ये होता है कि जिसमें किसी के अंदर हुनर है, किसी के अंदर जो अच्छा सोच है, विजडम है, उसको यूटिलाइज करने के लिए मौका देना चाहिए। जब तक आप किसी को मौका नहीं दोगे तो उसका क्या, उसमें जो क्वालिटी है वो उभर के नहीं आएगा। तो हमारा क्या होता है, शॉर्ट असेंबली सेशन होने से लोग जैसे नया हमारा लेजिस्लेटर है उनका कुछ अपना एक जो सोच को रखना है, लार्जर जो स्टेट का इंटरेस्ट में कुछ पॉलिसीज मैटर्स पर डिस्कशन करना है तो उसका मौका नहीं मिलता। तो मेरा यही कोशिश था CM साहब से भी डिस्कशन करके कि हम इससे लंबा रखें, अगर बिजनेस कम पड़ गया तो वी विल एडजॉर्न इट, अदरवाइज वी विल ट्राई टू कीप इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, सो दैट एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, शेयर देयर नॉलेज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ग्रुप सी की भर्ती परीक्षा में अनियमितता के मामले की जांच के लिए आयोग के गठित की घोषणा की है। आज राज्य सचिवालय में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ट्रांस अरुणाचल हाईवे के तहत राजधानी ईटानगर और प्रदेश के सभी जिलों के बीच अरुणाचल के अंदर से ही सड़क संपर्क विकसित करने की परियोजना को प्राथमिकता दे रही है। कल लोअर सियांग जिले के सरन में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा कि ईस्ट सियांग जिला पासीघाट से राजधानी ईटानगर को जोड़ने वाली 305 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे के निर्माण को त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य असम में बार बार होने वाले बंद से अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के बीच आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे बुरे असर के मद्देनजर ये परियोजना काफी मायने रखती है। डीपीआर सबमिट होने के बाद में तो फिर वहाँ जाके चर्चा कर वो अभी शायद लास्ट मीटिंग मैंने रिव्यू किया था तो वो डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जल्दी इसको सरकार में सबमिट करने के लिए। आई थिंक होपफुली बजट सेशन के बाद में न्यू फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में हम लोग लेके जाएंगे यहाँ से। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान का शुभारंभ हो गया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है मैं पीढ़ी की समानता हूं और महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूं। ये विषय संयुक्त राष्ट्र के पीढ़ी समानता अभियान के अनुरूप रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में परंपरागत रूप से हस्तशिल्प से जुड़े कामकाज बेहद लोकप्रिय है। हस्तशिल्प के साथ साथ हथकरघा से तैयार किए गए परंपरागत वस्त्र यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। राज्य के शिल्पकारों और बुनकरों के उत्पादों की एक प्रदर्शनी आज से राजधानी ईटानगर के डी के कन्वेंशनल सेंटर में शुरू हुई। बी लोकल एक्सपेंड ग्लोबल यानी स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बड़े बाजारों में लोकप्रिय बनाने के विषय पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में राज्य भर के हस्तशिल्प कारोबार से जुड़े कुशल कारीगर और स्वयं सहायता समूह अपने स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन अरुणाचल एनजीओ और उद्यमिता फोरम की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के उद्योग और कौशल विकास मंत्री तुमके बागरा उपस्थित थे। तो उसमें हम जो कुछ स्टूडेंट्स थे तो उसमें हम जो क्लास करते करते मतलब दोस्त बन गए। तो बाद में जब ट्रेनिंग खत्म हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो जो सीखा हो आपसे ट्रेनिंग पे क्यों उसको वेस्ट करें ना, अपने टैलेंट को हम लोग जो प्रमोट करें मतलब दुनिया को दिखाएं। इसलिए तो हम लोग ने सोचा कि कुछ 5-6 जन हैं जो हम लोग ने ग्रुप बना के ये मतलब हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। तो अभी तक तो वैसे कुछ ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ है। हम लोग को कहते हैं जस्ट अर्बन लाइवलीहुड हम लोग को सपोर्ट कर रहा है और ये एग्जीबिशन भी हम लोग पहली बार ही अटेंड कर रहे हैं। तो हर मेंबर के पास कुछ हम लोग मटेरियल देंगे फिर उन लोग जो अपने अपने घरों पर बनाते हैं। फिर जब घर में बना के जब कंप्लीट हो जाते हैं फिर से हम लोग एक मीटिंग रखते हैं। तो उसमें हम लोग ग्रुप होके फिर हम जो जो बनाया है उसको मतलब हम जो दिखाते हैं कि हम लोग ने ये बनाया है। ओके हम लोग 7 टीम है तो उसमें से हर किसी का अपना अपना ये मेरा फ्रेंड लोग का है ये हम बनाए हैं ऐसा ये फ्रेंड लोग सब ऐसे डिवाइड करके हम लोग हमें जितना गाले सब हम लोग अपना ओन बनाया है। और देन बैग से बनाए बैग भी हम लोग खुद से ही बनाए उसमें अपना आइडियाज़ लिया ये सब जितना ये सब करना है वो सब अपना आइडियाज़ था नेट में थोड़ा देखा कि कैसा करना है। देन उसके बाद हम लोग खुद से नॉलेज अपना सोच कर तो अपना अपना कितना आइडियाज़ होगा कैसा पसंद आएगा उसी हिसाब से उसी बेस में हम लोग बनाए हैं। इस बार का मटेरियल भी यहाँ में मिलना बहुत तकलीफ होता है मटेरियल क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा होता है तो इसी वजह से हम लोग को बाहर से मंगवाना पड़ता है। बाहर से मंगवाने के लिए बहुत तकलीफ होता है फिर भी इस बार ट्राई किया है हम लोग फर्स्ट टाइम है लेटर ऑन अगर ये अच्छा से चलता है बोलने से हम इससे अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेगा और इससे अच्छा से इससे अच्छा ज़्यादा अलग क्रिएटिविटी बनाएगा का प्लान है हम लोग का। भारत के दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिंट और उनकी पत्नी दाऊ चोचो कल बिहार में स्थित महाबोधि मंदिर पहुंचे और गर्भगृह में करीब आधे घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की। बीटीएमसी और बर्मिस बिहार के बौद्ध भिक्षुओं ने सभी को विशेष पूजा कराई। म्यांमार के राष्ट्रपति ने बोधगया में स्थित पुरातत्व संग्रहालय में रखे प्राचीन काल के लगभग 300 अनमोल वस्तुओं को देखा और संग्रहालय के अधिकारियों को भगवान बुद्ध की पेंटिंग भेंट की। ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सातों जगह पर फिर से ध्यान किया ना 7-7 दिन तक 49 दिन तो ये महत्वपूर्ण जगह है 7 सप्ताह जो होता है जी। तो
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा वस्तु और सेवा कर को देश में मुख्य क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। 44वें लोक लेखा दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को इन उपलब्धियों पर गर्व है क्योंकि बड़े सुधारों के तौर पर इनका उल्लेख किया जा रहा है। लोक लेखाकारों की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत को मुख्य रूप से सशक्त बनाने वाली प्रौद्योगिकी आधारित लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि लोक वित्त कारगर हो सकता है और सभी लोक लेखा अधिकारियों ने इसे सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के कारगर इस्तेमाल से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी लोक लेखा अधिकारियों ने ऐसा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां तैयार की है जिन पर भारत को गर्व है। All over the world, wherever we go, the DBT, the GST are being talked about as one of the silent revolution a democracy can show off to the world. So you are the bright face of India's technology in public life, and for that, on this 44th anniversary, I wish you all the very best, all my appreciation, and I'm sure the greater that you move into this space, more efficient can you become. Even with all that, it is your diligence, it is your commitment, it is your work silently behind the screen which has made a big difference. And again, therefore, on this fantastic day, I'd like to wish you all, and this is not a small success, within 44 years to bring in that kind of a rapid change. ईस्ट सियांग जिले में सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने से सटे इलाकों में भूमि कटाव का खतरा बना रहता है। इससे पिछले कई वर्षों में नदी के दोनों किनारों से लगे गांव के क्षेत्र नदी में समाहित हो चुका है। राज्य सरकार तटबंधों का निर्माण कर नदी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। इसके बावजूद आदिबाना कबांग और जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पासीघाट के NSS के छात्रों ने 2 दिनों तक श्रमदान कर तटबंधों की मरम्मत की। उनका मानना है कि जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय लोगों और संगठनों सियांग नदी के तटबंध की मरम्मत के लिए प्रत्येक वर्ष श्रमदान करना चाहिए ताकि भारी बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। ये सियांग नदी का जो हर साल फ्लड डैमेज होता है, इसको हम लोग मैन्युअली और सेपलेसली रुकाने का काम कर रहा है क्योंकि ये लास्ट 2-3 ईयर से सियांग नदी बढ़ रहा है। एंड लास्ट ईयर भी हम लोग इधर आया, विजिट किया और सियान फाउंडेशन भी अच्छा काम कर रहा है। लास्ट ईयर का ये इस बार नहीं होता तो आज वो PWD रोड भी नहीं होता। एंड ये सेराम विलेज तो कब का डूब जाना था, यही काम हम आज हो रहा है। NSS volunteers are trained to develop their personality, leadership quality, integrity and brotherhood and through their community service. So that is why it's a community service, and they are being trained today in protecting the flood erosion of this Seram village. Here we are using sandbags and this velvet ware, in which we are making sandbag, and by using that we are making embankments so that it can at least for 2 or 3 years of time we can protect the flood from this Seram. नाहरलगन रेलवे स्टेशन पर लाइफलाइन एक्सप्रेस इन दिनों लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच, परामर्श और जरूरी इलाज उपलब्ध करा रही है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से प्रायोजित लाइफलाइन एक्सप्रेस चिकित्सीय शिविर में अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाया है। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के चिकित्सा प्रबंधक डॉक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि 17 फरवरी से शुरू हुए इस ट्रेंड कैंप में आँख, दांत, कैंसर सहित कई बीमारियों के बारे में परामर्श और इलाज उपलब्ध कराया गया है। लाइफलाइन एक्सप्रेस आगामी 5 मार्च तक जनता की सेवा में नाहरलगन रेलवे स्टेशन पर रहेगी। डिसेबिलिटी का उसको फॉलो कर रहे हैं और सर्विसेज लाइक कैटरेक्ट सर्जरी जो वाइट आई हो जाती है और दिखना कम हो जाता है, हम इसकी सर्जरीज करते हैं और रिफ्रेक्टिव एरर चश्मा देते हैं उसमें, और ENT सर्जरीज करते हैं जिसका ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसको टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं वो करते हैं, और जिनका हियरिंग लॉस होता है उनके लिए हियरिंग एड देते हैं। फिर बच्चों में जो होता है, बच्चों में क्लेफ्ट लिप हो गई, जैसे 14 साल के जो नीचे बच्चे होते हैं क्लेफ्ट लिप होती है उसको हम ठीक करते हैं, और फिर 14 साल के नीचे जो पोलियो अफेक्टेड बच्चे होते हैं
जिनका ये क्लेफ्ट असम के गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा है। कल से शुरू हुए इस दो दिवसीय संगीत महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से संगीत प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन प्रतिवर्ष देश विदेश के म्यूजिक बैंड को एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है जहां वे अपने अपने क्षेत्रों की खूबियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर सके। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी ये महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।